चंद्रपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान न ही चोरी की वारदातें थमी है, न ही हत्या की, यहाँ तक कि बलात्कार जैसी घटना भी सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां हवस की आग में अंधे होकर एक बाप बेटे ने ऐसी करतूत कर डाली जिसे सुनकर किसी की भी रू कांप जाए। मामला चंद्रपुर जिले के घुघुस शहर का है जहां हवस के पुजारी बने बाप बेटे ने आदिवासी नाबालिग युवती को पिछले 2 महीने से बलात्कार का शिकार बनाया। यही नहीं, उस युवती के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप भी पीड़ित युवती ने लगाया है। मामला 3 नवंबर शाम को उजागर हुआ। हैवान बने यह बाप बेटे महादेव टिपले 66 वर्षीय और उनके पुत्र स्वप्निल टिपले 33 वर्षीय घुघुस के अमराई वार्ड के रहने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 66 वर्षीय आरोपी महादेव टिपले ने पीड़ित युवती के माता पिता के सामने अपनी पत्नी विकलांग होने की गाथा सुनाकर अपने घर में काम करने के लिए नौकरानी की जरूरत बताते हुए 3,000 रुपए महीने देने और युवती को पढ़ाई भी करवाने के बाद कहकर अपने घर लाया था। मासूम युवती बामरागढ़ गढ़चिरौली की है। 66 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक और उनके 33 वर्षीय पुत्र की करतूत सामने आने से आम जनता हैरान है। अपनी नाबालिग नौकरानी के साथ नशे की गोलियां खिलाकर बलात्कार कर रहे थे। बाप बेटे ने नाबालिग के साथ पिछले करीब 2 महीने से इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग युवती को अपने माता पिता से बात करने नहीं दिया जा रहा था, ना ही बाहर आने जाने दिया जा रहा था। लेकिन एक दिन मौका देख युवती ने अपने घर वालों से संपर्क कर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विवरण दिया। पीड़ित युवती के माता पिता चंद्रपुर के आदिवासी गोंड समाज सेविका शकुंतला खाने के मिलकर आरोपी के घर गए और पीड़ित युवती को लेकर थाने में शिकायत की। घुघुस पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ नागरिक और उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार रात 11 बजे कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। दुसरा दिवसी अजून मले नायका जबरदस्ती कराले होते। मग नायका ते नायका एक दिवशी मला दारू पाजवला तर दारू पाजवला। मग नायका मला माहीत नाही। मग नायका कपडे काढून होते सकाळी पहिले तर उभे राहिलो। मग नायका बाथरूममध्ये गेलो, कपडे चेंज केलो, ते कपडे फेकून दिलो, मला माहीत नव्हता। मग नायका ते नायका सकाळी पहिले तर माझ्या बेडावर होता, झोपून होता। मग मला माहीत नव्हता, नसामध्ये होतो। मग नायका मले बोलते अजून दारू पिते का सकाळी उठून, तर मी नाही पीत, मला नको देऊ म्हटलो। मग नाही का एक दवाई दिली, कोणता का दवाई माहीत नाही।